राजपुत्र मंत्री पुत्र सृष्टि पुत्र कई पूर्व की तपोवन की जो व्यवस्था थी पढ़ने की, ऐसी व्यवस्था में सब लड़के के साथ ये तीन लड़कियों भी जुड़े थे। वहाँ कोई अभ्यास कोर्स नहीं था, गुरु के मन में आ जाए तब छुट्टी दे देते थे। ये तीनों एक ही गांव के 10-12 साल होने के बाद भी गुरु ने जब ये नहीं कहा कि आप अभी जा सकते हैं, सृष्टि पुत्र ने राजकुमार को कहा, हम गुरुदेव से पूछे ये पढ़ाई कब तक चलेगी, और वो गुरुदेव के पास गए, हमें जाने की इजाज़त कब मिलेगी, बस मैं आज ही तुम्हें कहने वाला था, तुम जाओ, पढ़ाई तुम्हारी संपन्न हो गई, आज शाम को तुम जा सकते हो। गुरुदेव के चरण में झुक गए और तीनों ने जाने का शुरू किया। अंधेरा करीबन था, निकले और रास्ते पे चलते चलते एक छोटा सा रास्ता था, वहाँ से चल के आगे जाना था, सोचा भी नहीं था। उजाला था, अंधेरा अभी नहीं था, मगर वो रास्ते पे कदम रखने पे पता चला कांटे पड़े हैं। सृष्टि पुत्र सबसे आगे था, वो नीचे उतर के आगे चल गया। मंत्री पुत्र इनके पीछे था, वो जंप लगा के आगे निकल गया। और राजकुमार था, उसने इतना कहा, अभी उजाला है, आने वाले समय में पीछे आने वाले को पता भी नहीं चलेगा ये रास्ते पे कांटे हैं, हम ही क्यों कांटे को दूर न कर दे। और वो कांटे को दूर कर दिया राजकुमार ने, वो दोनों खड़े ही थे, राजकुमार को छोड़ के वो आगे जाने वाले नहीं थे। और जैसे ही तीनों आगे निकले, सामने से कोई आ रहा था, देखा ये कौन, और नज़दीक आया तब पता चला अपने ही तो गुरुदेव है। तब पूछा, गुरुदेव आप? हाँ मैं ही, ये कांटा रखने वाला भी मैं, तुम्हारी कसौटी करना चाहता था। 10 साल तक मेरे रहने के यहाँ रहने के बाद तुमने क्या किया, कांटा उठाने की तुम्हारी जिम्मेदारी थी, भले तू नीचे उतर गया, तू जंप मार के निकल गया, राजकुमार ने कांटा उठाया। मैं इतना ही कहूँगा, राजकुमार घर पे जाएगा, बाकी दोनों तुम वापिस आएंगे, बढ़ाई बाकी है। आज आपके सामने 2-3-4 बात कहना चाहता हूँ। नंबर 1, ड्यूटी इज माई ब्यूटी, मेरा सौंदर्य, मेरे जीवन का सौंदर्य, ड्यूटी इज माई ब्यूटी। चाहे कोई भी क्षेत्र में, परमात्मा के मंदिर में हो, उपास में हो, चाहे मैं मुनि जीवन में हूँ, आपको सच बोलो, एक प्रश्न का आपको जवाब आपसे मैं चाहता हूँ, आपका फोकस व्हाट इज माई ड्यूटी उन पर है या व्हाट इज माई राइट उन पर है? आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घर, मैं बाप हूँ, मेरा ये राइट है, ये आपकी नज़र, ये पूरा परिवार का मैं लीडर बन के बैठा हूँ, दिस इज माई ड्यूटी, मैं आचार्य पद पर हूँ, मैं ये सोचूँ कि जिन शासन में मेरा ये राइट्स है या आचार्य पद के पर बैठने के बाद, दिस इज माई ड्यूटी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका फोकस किस पर, राइट पर कि ड्यूटी पर? ड्यूटी इज माई ब्यूटी, हाँ सच बोलो, आपको दो चार प्रश्न बताऊँ आपको। मैं भावनगर में चातुर्मास था, जिस कमरे में रहता था वो कमरे की घड़ी थोड़ी बेकार थी, चलती नहीं थी। एक लड़के को मैंने कहा, दोस्त ये पेटी में बोल देना घड़ी बराबर चलती नहीं है। आधा घंटा, एक घंटा, 1.5 घंटों में लड़का आया नहीं। मैं बोला लड़का भूल गया होगा, अभी दूसरे लड़के को बोलूँ, इनके पहले तो आया तो नई घड़ी लेके आया, और नई घड़ी उसने फिट कर दी। और मैंने पूछा, ये घड़ी पेटी में तूने बोला था? नहीं गुरुदेव, पेटी में नहीं बोला, मैं ही बाहर जाके लेके आया। मैंने कहा, मैंने बोला था पेटी में बोलने का? गुरुदेव आप पेटी के नहीं हो, हमारे भी तो हो, तो दिस वॉज द माई ड्यूटी। 50, 100, 500 रुपया बैर में कर सकता हूँ, इसके लिए मैं पेटी में कहने के लिए तैयार नहीं था, मैं खुद ही घड़ी लेके आया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, उपास में, धर्मस्थान में, दीरासन में, आप कहीं भी जाते हो, आप उनका लीडर है उनको बोलते हो, या आप खुद ये वो चीज लेकर के आते हो?
ज़्यादातर क्या, हाँ भाई पेटी पे आपकी तो कोई ड्यूटी है ही नहीं ना, माना आप सीधा पेटी पे बोलते हो क्यों? ये मंदिर मान लिया, मंदिर की व्यवस्था पेटी करती है, मगर मंदिर में जो पुण्य का उपार्जन होता है वो तो आप भी तो करता है। अम्बेल कथा में ड्यूटी की राइट, कभी तुमने सोचा कि अम्बेल कथा में जाता हूँ, चलो आज पीरसने के लिए दो चार कमे, दिस इज माई ड्यूटी? करीबन करीबन हर क्षेत्र में ये टूट रहा है, ड्यूटी टूट रही है। आज पूरा का पूरा तूफान देश में भी जो चल रहा है, किसान आंदोलन क्या है, दिस इज अवर राइट्स, कोई ड्यूटी नहीं। चलो ये जिन शासन की बात तो फिर से कहूँगा, मगर एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूँ, जो प्रश्न मैंने दिल्ली में पूछा था। आप टॉप गियर में गाड़ी लेके जाते हो, पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, कोई काम नहीं आपको, और रास्ते के कोने पे एक नल है सार्वजनिक, और नल बिल्कुल खुला पड़ा है, पानी जा रहा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, टॉप गियर में गाड़ी पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, कोई काम तो है नहीं, सच बोलो, गाड़ी रोक करके नल बंद करके तुम आगे जाएंगे, ऐसे ही भागेंगे? सच बोलो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है? ये क्या नरेंद्र मोदी नल बंद करने के लिए आएंगे? नहीं, तुम्हें कभी ये मन में नहीं लगता कि गुरुदेव ये पब्लिक, ये मैं इस राष्ट्र में बैठा हूँ, ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है, और तुमने कुछ पटाली का कुछ नहीं। आने वाले दिनों में तीसरा वर्ल्ड वॉर यदि होगा तो वो लिखते कि पानी के लिए होगा, और इतना पानी जा रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि ये कोई काम नहीं आपको, सिर्फ घूमने के लिए निकलते, दो मिनट का काम रुके, नल बंद करके आगे निकले, माने कोई जिम्मेदारी नहीं ना आपकी। सच बोलो ये क्यों? परमात्मा की विधि, मंदिर की विधि आती है तुम्हें मालूम? मंदिर में अष्टप्रकारी पूजा करने वाले को शायद मंदिर की थोड़ी विधि का थोड़ा तो पता होगा ना, तीन प्रद तीन निश्चित जो बोलते हो, एक साथ बोलने की विधान है कि क्या अलग अलग है ना, पहली कहाँ बराबर और दूसरी नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, पहली और दूसरी निश्चित के बीच में जो गैप रखा है, फॉर वॉट, उनका पर्पज़ क्या है? पहली निश्चित बोल के सीधी दूसरी नहीं, मगर पहली और दूसरी के बीच में जो समय रखा है, तू सीधी दूसरी निश्चित नहीं बोलेगा क्यों? नहीं समझ में, ख्याल नहीं, बोलो। वो तो पहली, नहीं नहीं नहीं, वो तो पहली निश्चित हो गई, पहली और दूसरी के बीच में जो गैप है वो किसके लिए है? माने माने क्या, पहली निशी बोल नहीं सकते? तुम कर सकते हो, फिर भी बोलेगा? हाँ माने क्या, पहली निशी किता भजी, बीजी निशी किता पहला, पाटला कलश वाटकी चामर आडावड़ा पड़ा हो, ये बदा व्यवस्थित करवाना तमारे, इतना माटे बीजी निशी, दिस वॉज द योर ड्यूटी। चैत्यमन करीने पाटलो कोई गमे ता मूक्यो, तमारी नजर जबी जुए કે બીજી નિશી કહેતા પહેલાં આ બધું મારે વ્યવસ્થિત કરવાનું, આ પહેલી નિશીને બીજી નિશી વચ્ચે પણ ડ્યુટી મૂકી છે, નોટ રાઈટ? ઇતના ભી પતા નહીં તમે, ધીસ ઇઝ માય ડ્યુટી, યે ટ્રસ્ટી કી જિમ્મેદારી નહીં હૈ, યે ચૈતન્ય કરને વાલે કી જિમ્મેદારી નહીં હૈ। માન લિયા ચૈતન્ય કરને વાલા નિકલ ગયા, ઓર ઉસને કેરલેસ થા, વો નિકલ ગયા અપના પાટના વહીં રખ કરકે, મગર તુમ ગયે તો ઉસકો લગના ચાહિયે યે પ્રભુ કા મંદિર મેરા હૈ, सुचारू रूप से व्यवस्था करना वो मेरी भी तो जिम्मेदारी है, भले ही कोई पाटला रख के गया मगर मैं सही जगह पे रख दूंगा, ये तब तुम्हारी दूसरी निश्चय सार्थक है। पुजारी तो रखा है ना? पुजारी पुजारी निश्चय बोले डोली वाला कितनी नमणू करे, आई वुड लाइक टू, वाई नॉट, मुझे क्यों, आपको क्यों पता नहीं कि दिस इज माई ड्यूटी गुरुदेव? मैं वही तो बोलना चाहता हूं ना, और जिस दिन में भी मैं मुनि, हम मुनि साधु आचार्य साध्वी कोई भी जिस भी संग में चातुर्मास करेंगे, वहां यदि हम भी हमारी राइट की बात करेंगे, हम भी तो गए काम से, दिस इज माई ड्यूटी। और जिसके दिमाग में ये ख्याल होता है कि दिस इज माई ड्यूटी, राजकुमार को पता था दिस इज माई ड्यूटी,
चाय में बगल से निकल सकता था मगर पीछे आने वाले को कांटे चुभते और उनके पैर में खून। मैं तो अभी निकलता सेफ साइड में, मगर ये मेरी जिम्मेदारी है मेरी। आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं, परिवार पूरा टूट रहा है। देरानी समधी जेठानी सास बहू भाई भाई हर क्षेत्र में संघर्ष संघर्ष संघर्ष। हर एक को लगता है इस घर में ये माई राइट। कभी बहू को नहीं याद आता कि मेरी ड्यूटी है। सास को लगना चाहिए मेरी ड्यूटी नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। 18 साल जिसके घर में रही वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आई है और उसकी माँ मुझे मनाए, दिस इज माई ड्यूटी नॉट राइट। देरानी जेठानी सास बहू भाई बहन सभी को ड्यूटी का पता चले फिर तूफान कहाँ है। बरसों पहले अहमदाबाद में गिरधर नगर में, मैं शांति नगर में चातुर्मास था, दो बहन आई, पहचान तो था नहीं, पहचाने का प्रश्न भी नहीं है, मगर देरानी जेठानी थी पता फिर चला। और जेठानी ने कहा महाराज साहब मेरी देरानी है, सिद्धि तब चल रहा है, लास्ट परिवर्षण की 8वीं बारी है, गुरुदेव 28 का बचकान इनको दे दो। देरानी को 28 का बचकान देने के बाद देरानी ने कहा महाराज साहब शादी करने के बाद अभी तक आयु न कितने भी तप की, वो जेठानी बोल रही महाराज साहब कितने तप, वो दे तप का लिस्ट बता रहे, मैं थक गया सुनते सुनते, श्रेणी तप भद्र तप सिद्धि तप मांस कमल हर तप। और वो जेठानी बोलती चली और देरानी की आंख में आंसू, महाराज साहब आपको मालूम नहीं 12 लोगों का परिवार है हम, संयुक्त परिवार, मैं गृहस्थ जीवन से जब माने शादी नहीं की थी तब से तप करती चलती थी, शादी करके आई तो जेठानी ने बोल दिया बहन तेरे घर में जो तू तप कर दी वो तप की परंपरा इसी घर में भी चालू रखना। महाराज साहब देरानी ने मुझे कहा था 12 लोगों का परिवार है, हम दो ही तो है और चौके में जाकर के जिम्मेदारी तो मेरी भी है। तो महाराज साहब जेठानी ने मुझे बोल दिया तप करने का तेरा शरीर है मेरा शरीर नहीं, जब तक तेरा तप चलेगा तब तक 12 लोगों का पूरे के चौके की व्यवस्था मैं करूँगी। महाराज साहब ये मेरे से तप हो रहा है, क्रेडिट गोज टू ओनली जेठानी महाराज साहब। 43 डेज का सिद्धि तप, 36 उपास 7 व्यसना महाराज साहब। सिद्धि तप के पहले 2 दिन और प्रारणा के बाद करीबन 10 दिन चौके में जाने की मुझे मनाई है। जेठानी ने बोला ये काम में, और जेठानी रो रही थी, मैंने बोला आप क्यों रो रही हो महाराज साहब, पुरुषी का पचकान नहीं होता है, देरानी के तप में सपोर्ट करेंगी, मेरा तप का अंतराय टूट जाएगा। ये नहीं सोचा जेठानी ने कि देरानी क्यों चौके में ना आवे, इतनी छोटी सी व्यवस्था। आई वुड लाइक टू आज सच बोलो इसके प्रति तुम निग्लेक्ट एवर्ड क्यों करते हो, प्रवचन में आए वो भी तुम्हारी ड्यूटी। स्वामी वत्सल एक्सपर एग्जाम्पल कभी होता है, पिरसने वाले कम है, तुम बोल सकते मेरी ड्यूटी है, संघ का मैं भी तो सदस्य हूँ, मैं हाथ फेराऊंगा, मैं आगे चलना चाहूँगा, आपको क्या दिक्कत क्या है, आपकी ड्यूटी को ख्याल करने में दिक्कत क्या है। 54 साल की रिक्शा भरे में राइट कुछ भी होगा, मगर मुझे मेरी आंखों के सामने हमेशा के लिए मेरी ड्यूटी का पता चला और इसके लिए आई एम मोर हैप्पी। आपके आपको कोई दिक्कत है या डिफिकल्टी है तो बताओ, दोनों एक साथ में एक सिक्के के दो पहलू है राइट, मगर मेरे राइट तुम मुझे देंगे, मेरी ड्यूटी मैं निभाऊंगा, राइट मैं नहीं मांगूंगा, तुम राइट मुझे देंगे। महाराज साहब आप आचार्य भगवान तो आपका ही राइट, हम बोलते ना हमारे संघ के लीडर हो आप, वह आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये सोचूंगा मेरा मेरी ड्यूटी क्या है। आपके मन में क्या ख्याल है, आपने नहीं तमने बोलो, हमने तो बताया स्पर्शित कीजिए ममड़ी, हमने बिगाड़ा क्या लोग। झाड़ू क्या पड़ी उपासमा साहब एक बाजू मुकी दीश विहार करी ने कोई मुनि भगवान है मैंने उपासे साफ न दी, तमें मानस ने नीचे थी नहीं बोलाओगे उपासे साफ न दी, तमें आत्मा झाड़ू लीने कचरो काटो, दिस इज माई ड्यूटी महाराज साहब। कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी सामयिक प्रतिक्रमण करना वो बात अभी नहीं रखी है, रखूंगा
मगर ये पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, हर क्षेत्र में आपको लोकप्रिय बनाने की सबसे बड़ी ताकत इसकी है, गुरुदेव दिस इज माय ड्यूटी, नो राइट बट दिस इज माय ड्यूटी। मेरे पद्मसुमा के पिताजी महाराज साहब थे तत्व सुंदर महाराज, वो गृहस्थ जिनमें इनका नाम था रायचंद भाई। आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी ने बॉम्बे में जिन जिन लोगों की पालीताना में बोली होती थी ना, वो बोली का रुपया बम्बई का यदि होता तो आपको रखा था कि रायचंद भाई आप जाकर के बोली के पैसे कवर कर लेना। एक सुश्रावक का नाम नहीं बताऊंगा, और वो सुश्रावक के नाम से करीबन 32 साल के पहले कार्तिक शुक्ल पूनम को पालीताना के पहले पक्षल का 42,000 रुपीस आपके नाम का बोल रहा था। पीडी से मैसेज आया और मैसेज आने के बाद वो वसूल करने के लिए मैंने बता दिया कि पीडी का मैसेज है, आपका एड्रेस, आपका नाम और आपके नाम से 42,000 की बोली है। भाई ने बता दिया आइए, चाय पिला दी और इतना कहा रायचंद भाई ये इस साल में पालीताना आया ही नहीं, कार्तिक पूनम का प्रश्न ही नहीं, मैं गया ही नहीं पालीताना, ये मुझे तो पेटी से मैसेज आया था इसलिए आपको बता दिया। एक मिनट, मेरा दामाद अमेरिका रहता है, वो अमेरिका से आया था इस टाइम, दामाद को फोन करके पूछा पापा मैं आया था पालीताना भी गया था मगर बोली बोलने का प्रश्न ही नहीं था, मैं कुछ नहीं बोला। 42,000 की बोली बिफोर 32 ईयर्स, और रायचंद मैंने बोला आप ये बोलते कि कोई है ही नहीं तो मैं वापिस जाता हूँ, दो मिनट के लिए बैठो। जिस साधर्मिक ने पहला पक्षाल लिया होगा और 42,000 के नाम मेरा लिखा होगा, उसने खुद नहीं लिखवाया होगा तब भी तू तुम आए हो, तो इतना तो मैं कहूँगा एक संघ के साधर्मी को मेरे पे इतना भरोसा है, दिस इज माय ड्यूटी, 42,000 मैं भर दूंगा, और भर दिया। पहला पक्षाल का लाभ नहीं भी मिला था मगर किसी साधर्मी ने मेरे पे इतना भरोसा करके यदि मेरा नाम लिखा दिया होगा मैं 42,000 भर दूंगा। सच बोलो कभी आपको इस लेवल का ख्याल है क्या? व्हाट इज द डिफिकल्टी? नहीं तुम मुझे बताओ इसमें दिक्कत क्या होती है? नो आंसर। सुबह पहलो विचार ये आवो जाए कि मारा नाम ऊपर विश्वास कोने मुक्यो ये आवो जाए। होनी चाहिए वो तो मैं कहने के लिए आया हूँ, है क्या बोलो यार, क्या होना चाहिए तो मैं कहने के लिए आया हूँ। व्हाट इज योर मेंटालिटी? जो भी है तुम डाइवर्ट क्यों नहीं करते हो? मैं ये सिर्फ धर्म की बात, हर क्षेत्र में मैंने पहले बोला ना पानी का नल जा रहे, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। एक देश के संपन्न देश के तुम प्रजाजन हो, धर्म प्रेम तुम्हारे पास है तो राष्ट्र प्रेम नहीं होना चाहिए क्या? यदि ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो मैं निश्चित बताऊँ धर्म भी सुरक्षित नहीं है। तैमूर लंग औरंगजेब वो सब आए ने, सब खत्म कर दिया था, मुनियों की हत्या कर दी, मूर्ति के टुकड़े कर दिए थे, चाहे वो टाइम भी आचार्य भगवान बौद्ध थे मगर दे ऑल वेर द हेल्पलेस, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा नहीं थी। धर्म की सुरक्षा तब हो सकती है, राष्ट्र सुरक्षित होता है तब, और राष्ट्र सुरक्षित तब रहता है राष्ट्र में रहने वाले प्रजाजन को खुद की ड्यूटी का पता हो तब। तू मेरे घर के बाजू में कचरा निकालना वो नरेंद्र मोदी को सिखाना पड़ा कि स्वच्छता अभियान, आपके घर का कचरा दूर छोड़ देना चाहिए वो आपको पता नहीं था सही जगह पे, क्या मेंटालिटी है तुम्हारी? सच बोलो आपके घर में तुमने कभी गंदगी डाली? क्यों? गुरुदेव मेरा घर है तो राष्ट्र में गंदगी तू करते हो तो तुम्हें पता नहीं है राष्ट्र मेरा है?
इतने तुम सिकुड़ गए। आपको शायद पता न हो, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए लिया, शास्त्रीय परिभाषा में हरिभद्र सुमन इनको औचित्य का पालन कहा है। आप ड्यूटी शब्द, यदि इंग्लिश शब्द आपको नहीं जमता तो मैं संस्कृत शब्द बताऊं और कॉट करके हरिभद्र सुमन का वचन, यह है औचित्य पालन। और भी आगे की बात तुमने शायद जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी, मोक्ष में सबसे पहले कौन जाएगा? मांस खमन करने वाला, चारित्र का पालन करने वाला, 45 आगम पढ़ने वाला, लाखों लोगों के बीच में प्रवचन करके इम्प्रेस करने वाला? नहीं, हरिभद्र सुमन का कौन है, औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। निकट में मोक्ष में जाने का जीव का लक्षण कौन सा? जिसके पास औचित्य का पालन है उनका। मांस खमण करने वाला लेट हो सकता है, मगर औचित्य का पालन का मोक्ष में सबसे पहले देगा वो है ड्यूटी। पाप नवी तीव्र भावे करे, जेहने नवी भवरा करे, उचित स्थिति जे सेवे सदा। ये विधान सदा हमेश के लिए हर जगह औचित्य का पालन हर जगह, चाहे मंदिर में, चाहे उपवास में, चाहे अंबेलकाता में, चाहे पाठशाला में, चाहे बाजार में, चाहे कहीं भी। મને ખબર નથી, પણ તમને હમણાં બેસના ઉઠમણામનો રિવાજ ખરો કે ગયો? એટલે મોબાઈલ ઉપર કે આમ તમે જાઓ, હજી બચ્ચો છે ને, તુમે માલુમ ડ્યુટી કી બાત બતાવ તુમ હેરાન હો જાયંગે। મેં 19 સાલ કી ઉમર મેં દીક્ષા લી, મગર મેરે પિતાજી એક દિન કિસી કી ડેથ હો ચુકી થી, ઓર ઉનકે બેસના કી જો વ્યવસ્થા થી ને એસે અભી જો હૈ, और पिताजी ने मुझे कहा चल मेरे साथ। शायद तो मेरे कोई अक्ल भी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी में तुमने सबकी मजाक इतनी मजाक कर दी, तुमने सब कुछ गुबा दिया। वो टाइम की बात, दीक्षा का 54 साल हुआ और इनके पहले 4 साल, माने बिफोर 58 ईयर्स। और जब निकले ने, पिताजी ने मेरे हाथ में 500 रुपये की नोट थाम दी। मैंने बोला क्या करना है, वो जमाने की बात, बिफोर 60 ईयर्स 500 रुपया बहुत बड़ी बात थी। और पिता ने कहा देख, जेना बेस्टम अपने जीए छे ने, ये घरनो लीडर हतो, ही वॉज द लीडर ऑफ हिज फेमिली मेम्बर्स। वो शांत हो गया, और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हम बेस्टा में बैठेंगे ना, नीचे चद्दर के नीचे 500 की नोट रख देना है, कहना कुछ नहीं है। और आने वाले सभी लोग इनकी आर्थिक स्थिति को ख्याल रख करके अपने जो रुपये हैं वो रुपये चद्दर के नीचे रख देंगे, ये बेस्टा का प्रोग्राम खत्म होगा, इनकी धर्मपत्नी चद्दर उठाएंगी और जो रुपया होगा उससे अपना जीवन गुजारेगी। मालूम है तुम्हें ये क्या? दिस वॉज द ड्यूटी। कोई स्वर्गस्थ हो चुका है उसके पास हम जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति का पता रख करके हम जाएंगे। તમારી અષ્ટપ્રકારી પૂજા પણ ફેલ ને મારું સાધુપણ પણ ફેલ, જો ઔચિત્ય પાલન મારી આગળ નથી તો। ઓર યે લિખને વાલે 1444 ગ્રંથ કે રચયિતા હરિભદ્ર શ્રી મહારાજ ખુદ હૈ, ઔચિત્ય પાલન આસન સિદ્ધે જો। સબસે જ્યાદા મોક્ષ મેં નજદીક જાને વાલા કોણ રહેગા? ઔચિત્ય કા પાલન કરને વાલા। मैं जानना चाहता हूँ, कहीं आपको याद नहीं आता है कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी ड्यूटी है? स्कूल में, कॉलेज में जो भी जाता है, आपके बेटे को तुमने राइट की बात सिखाई कि ड्यूटी की बात सिखाई? आपके बेटे को तुमने क्या सिखाया? हाँ, क्या है, क्या बोला, कौन रोकता है? सच बताऊं, आपके पास नोइंग बहुत है, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो सत्य
मेरी बुद्धि को छूता है वो है नोइंग, और जो सत्य मेरे हृदय को छू जाता है वो है अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि को छूने वाला सत्य कभी जीवन परिवर्तन नहीं करेगा, हृदय को छूने वाला सत्य परिवर्तन किए बिना कभी रहेगा नहीं। आप जो बोलते हो कि मेरे दिमाग में तो है, बस वो दिमाग तक रहा, दिल तक पहुंचा ही नहीं। એટલે તમે એમાં હું શું કરું પણ તમને કઠિન પડે તો તમે કંઈ ઊંધા ચત્તા કરતા છો તો પડે કઠિન। અઠાઈ કરવી સહેલી છે, એ સહેલું નથી। અઠાઈ કરવી સહેલી છે, આને વાલે દિનો મેં ભી એસા સમય આને વાલા હૈ, રાત્રિ ભોજન ત્યાગી કા સંઘ કે બીચ મેં બહુમાન કરના પડે, એસે દિન આને વાલે। अब तक भले श्रेणी तब भद्र तब सिद्धि तब मांसक्रमण करने वाले के बहुमान होता है, मगर आने वाले दिनों में 10, 20, 30 साल के बाद शायद ऐसा आएगा कि जिनकी पर तक रात्रि भोजन त्याग करने वाले का सम्मान करो, क्योंकि नैमित्तिक धर्म आसान है, नित्य धर्म बहुत कठिन है। आगे चलूं, आपकी इच्छा। एक घंटे के प्रवचन में सब कुछ बात तो कवर नहीं कर पाऊंगा, मगर मोक्ष में जाने का सबसे इजी तरीका औचित्य पालन। इस थाना में मुझे मालूम नहीं, मगर फॉर एग्जाम्पल हर जगह बोलता हूं, आज आपके सामने बोलूं। ये श्री संघ की व्यवस्था में आपको लगता है कि साधारण खाता का बहुत टूटा है, बड़ी मुश्किल से वो साधारण खाता पर्याप्त होता है, कदम कदम पे समझें तुम क्या इकट्ठा करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, साधारण खाता में दो साधारण और देव द्रव्य एक्सेस पे जा रहा है, एक्सेस माने अनब सनब रुपया बोली में है। यदि आपके पास विजन होता तो देव द्रव्य की उछामणी न भूल के आप साधारण खातों का कवर कर दे, ये है औचित्य पालन। सच बोलो, ये करते हो तुम? બગીચાનું એક છોડ એવો છે કે જેને પાણી એટલું બધું આપ્યું છે, એટલું બધું આપ્યું છે, હવે ના પડે છે કે મારે પાણીની જરૂર નથી, અને આખો બગીચો સુકાઈ રહ્યો છે, ત્યારે જે છોડને પાણી તમે આપી જ ગયા છો ત્યાં જ પાણી નાખવાનું છે કે બાકીના છ છોડ સુકાઈ રહ્યા છે ત્યાં પાણી તમારે નાખવાનું છે? કરો છો તમે? અમારે ત્યાં શ્રદ્ધ વિધિ નામના ગ્રંથમાં એક શબ્દ મૂક્યો છે, શ્રાવક મુખ્ય વૃત્તિથી સાધારણ ખાતાને તરતું કરે, કારણ કે સાધારણ ખાતું એ બગીચાની નીક છે। નીક સમજે તું? બગીચાની નીક સમજ્યા? જ્યાં નાખેલું પાણી આખા બગીચાને પહોંચે ને નીક કહેવાય। ગુલાબના છોડને નાખેલું પાણી ગુલાબને પહોંચે, ચંપાને નાખેલું ચંપાને, પણ બગીચાની નીકમાં નાખેલું પાણી આખા બગીચાને પહોંચે। સાધારણ ખાતું એ જીન શાસનના બગીચાની નીક છે, એમાં નાખેલું પાણી બધા ક્ષેત્રમાં પહોંચે। एक ही शब्द वो बहुत कुछ बोल सकता हूं, या विराम देता हूं। नंबर वन, ड्यूटी इज द ब्यूटी। सेकंड, प्लेजर इज माय ट्रेजर। प्लेजर आनंद, चित्त की प्रसन्नता, कॉम्प्रोमाइज नेचर, दिस इज माय ट्रेजर। ट्रेजर माने खजाना। आपके लिए क्या ट्रेजर में, आप ट्रेजर में आपके लिए क्या बैठता है? ये अध्यात्म जगत का मैथमेटिक्स, धर्म के क्षेत्र में जिसका प्रवेश होगा वो इनको खजाना मानेगा। मेरी चित्त की प्रसन्नता उनको छोड़ के कुछ बचा नहीं है। आपकी भाषा में प्लेजर का महिमा, प्लेजर का स्थान कहाँ? वो प्लेजर नहीं, वो सुख है। सुख और आनंद के बीच में बहुत फर्क है।
और हमारे वहाँ भी एक शब्द लिखा है कि जैसे जैसे मुनि का पर्याय बढ़ते चलेगा, पर्याय समझे ना, पर्याय माने दीक्षा लेने का, एक साल, दो साल, तीन साल, आज मुझे 54 ईयर्स हुआ, तो वहाँ एक उपाध्याय जी महाराज को लेके सब मुनि भगवान ने, सब आचार्य भगवान ने, गणधर भगवान ने भी भगवती सूत्र में भी यही लिखा है कि दीक्षा का समय बढ़ते बढ़ते मुनि के पास सबसे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, स्वाध्याय, क्योंकि नॉट मस्ट, आराधना नॉट कंपल्सरी, तपस्या नॉट कंपल्सरी, मगर एक शब्द लिखा है कि मुनि के पास आनंद रोज बढ़ते चलेगा। तेजोलिश्य विवृद्धि साधो पर्याय वृद्धित भाषिता भगवत यादव सेथम भूत से युजते। जैसे जैसे दीक्षा प्रिया बढ़ते चलेगा, साधु की चित्त की प्रसन्नता रोज बढ़ती चलेगी। मेरा ट्रेजर वो नहीं मैं प्रवचन करूं, मेरा ट्रेजर वो नहीं मैं ऑथर हूं, मेरा ट्रेजर वो भी नहीं मैं मास कमंड के पुराने मास कमंड, मेरा ट्रेजर है मेरी चित्त की मस्ती क्लाइमेक्स पर है। आप बोल सकते हो प्लेजर इज माई ट्रेजर, तुम ऐसे सुनते हो जैसे उठमणा में बैठे हो, क्या हो क्या गया ये पूछा मैंने, कोई गलत पूछा क्या? तुम मेरी बात में करना चाहता हूँ, मेरी साधना भी नंबर दो पे, नंबर ये, तो आपकी संपत्ति कहाँ है? गाड़ी बंगले मोटर बन गए, वो आपका ट्रेजर ही ट्रेजर तो ये, इतना होने के बाद भी आपकी चित्त की प्रसन्नता कितनी? क्या है ये तो हर साधु को तुमने इतना ही कहा है, साधु गए और तुम वहां की मारे। पहले एक बात, कि तुम वहां रहना चाहते हो कि रहना पड़ता है? नहीं, वो क्लियर कर दो ना, यदि तुम जहां बैठे हो वहीं प्लेजर मिलता होता तो फिर हमने तो गलती कर दी दीक्षा लेके। फिर ये माँ बाप छोड़ना ये सब क्यों किया? यदि वहाँ सब कुछ होता तो चलो मेरी बात छोड़ो, तीन जगन्नाथ महावीर भगवान क्यों चारित्र के मार्ग पे गए? यदि तुम्हारे संसार में सब कुछ पॉसिबल होता तो वो तो तीर्थंकर थे, एक समय के लिए भी आपका मन बिगड़ता नहीं था, फिर भी उनको लगा यहाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल, वो चारित्र के मार्ग पे निकल गए। तुम इतना बोलो गुरुदेव ये सत्व, ये ताकत, ये श्रद्धा हमारी नहीं है, ये बोलो, पहले कन्फेस करो गुरुदेव ये ताकत हमारी नहीं है, फिर भी हम जहाँ बैठे वहाँ कम लॉस हो और हम कुछ अनुभव कर सके, ऐसी कोई बात पॉसिबल है तो बताओ। अब ये बोलो मैं कहना चाहता हूँ, वो भगवान महावीर ने भी बताया, क्योंकि चतुर्भी श्री संघ है, अकेले साधु और साध्वी नहीं है, श्रावक और श्राविका भी तो है, मजबूरी है, कमजोरी है, कुछ भी है। और आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लेजर की डिमांड करते हो, दो चीज़ का एक्सपीरियंस आपका हो जाए 100% आपके पास प्लेजर होगा होगा होगा, नंबर एक तृप्ति और नंबर दो संतुष्टि, ये 100% यू हैव प्लेजर, संतुष्टि इनफ बहुत हो गया। यदि आपके पास संतोष है और यदि आपके पास तृप्ति की अनुभूति है, दैट्स ऑल। आप ये बोलो कि है मेरे पास, मैं आपको रास्ता दिखा दिया। कई लोग, मैं आपको आपके संसार में बैठे हुए लोगों का एक्सपीरियंस दे सकता हूं, क्या वो ताकत लेकर के बैठे? ताकत आपके कपड़े का माप है, आपके भोजन का माप है, हर चीज का माप है, आपकी संपत्ति का माप है क्या? हाउ मच? कब तक भागेंगे, कब तक दौड़ेंगे, कब तक इनके पीछे लगेंगे? कुछ नहीं। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम नहीं दूंगा, कभी गलत फहमी हो सकती है, मगर 50,000 करोड़ का मालिक मुझे मिला था, वो मेरी 5वीं मीटिंग में उनके पूछा था, यह हाथ रख करके मुझे, यू आर हैप्पी और यू आर रिच, तब उसकी आँख में आंसू थे, आई एम रिच, आई एम नॉट हैप्पी। फिगर में बता दिया 50,000 करोड़ का मालिक, और उनका मेरी 5वीं मीटिंग में ये शब्द था, महाराज साहब आई एम रिच, आई एम नॉट हैप्पी।
50,000 करोड़ में भी प्लेजर नहीं मिल सकता है, तुम कभी सोचा? और तुम क्या लेकर के बैठे, कितने रुपए मिलेंगे तुम आपको प्लेजर मिलेगा, तुमने कभी सोचा? यदि 50,000 करोड़ का मालिक भी रोते हुए गुरुदेव को कह सकता है आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी, तो तुम्हारे लिए क्या है? भविष्य का निश्चित तो न मेरा है न आपका है, और भविष्य का निश्चित तुम्हें वो सुना होगा ना भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने जब रात को 12 बजे बोला था तमने मतलब कि हमारा कोई शुभ समाचार आवशे, हो गया ना? कितनी एफडी तुमने कितनी रियल एस्टेट में कितना रोका था, शेयर बाजार में तुम्हारा था, बस आने वाले दिनों में देखो एक मिनट में भिखारी बना दिया तुमने। और वो तो ठीक भाजी जारे जारे, पर भाइयों बहनों हमने धड़कन में दी जाए आए वो कहीं कहते, तुम फ्यूचर की मानते हो? ये भाई कला का मंदिर मोतीलाल सेठ का तुम मालूम नहीं है ना? आपके पिताजी ने दिवाला निकालता और आपके बेटे ने दिवाला निकाला। मोतीलाल सेठ का खुद का बेटा खिमचंद सेठ आज के समय में जो दिवाला निकलता है ऐसा दिवाला नहीं, प्रमाणिकता से बिजनेस करने के बाद पाप कर्म का उदय इतना सब संपत्ति चली गई। और मोतीलाल सेठ के पिताजी ने दिवाला निकलता सब कवर कर दिया, मोतीलाल सेठ ने पिताजी का कर्जा सब मोतीलाल सेठ ने चुका दिया, और बाईकाला का मंदिर और पालीताना में मोतीलाल सेठ की टूंग, ऐसा समृद्धि आदमी अपने बेटे को सब विरासत में संपत्ति दे गया था, मगर खिमचंद सेठ संभाल नहीं पाए। आप ये बोलते हो मेरा बेटा मेरी पैसा संभालेंगा, शायद बोलो तुम्हारे लिए तुम बाजार में भाग रहे कि तुम्हारे परिवार के लिए, मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर कहां तक, देर इज एंड। आप इतना तय करो रिक्वायरमेंट डिजायरियस लग्जरियस, आप कौन सी चीज पाने के लिए तुम भाग रहे हो, इतना पक्का करो दिस इज माई रिक्वायरमेंट, दिस इज माई डिजायर, या दिस इज माई हॉबी। 1 लाख का मोबाइल रिक्वायरमेंट में नहीं आता है, डिजायर में भी नहीं आता है, वो भी में आता है। हर ब्रांडेड आइटम आपको चाहिए फ्रेंड, 4 करोड़ का गाड़ी तो BMW की, मोबाइल तो ये जरूरी में है क्या? और इनके लिए तुम भाग रहे हो पैसे के पीछे? गुरुदेव इनफ, पूजा की जोड़ पूजा नहीं जोड़ एक राखी, जना मोबाइल 3 राख्या, तमे ना पाड़ो ने मने, ये तुम्हारी आइटम है, आइटम ये नहीं होनी चाहिए कि गुरुदेव मारे अगर 3 पूजानी जोड़ छे बदलू छू बब्बे दिवसे। हमारे मां तो शब्द लिखा, हाथी मुख से दाणो निकले केड़ी कुटुंब सब खावे, हाथी ना मोढ़ा माथी दाणो पड़ जाए तो सैकड़ों कुटुंब केड़ियों ना जमणवार थी जाए। आप करोड़ोपतियों ना थोड़ा शोक ओछा थाय ने केटला साधर्मिकों नु कल्याण थी जाए। आप खुद को ऑब्जर्व करो, ये जो मैं बाजार में भाग के पैसे के लिए पागल बना हूं, रिक्वायरमेंट के लिए, डिजायर के लिए, या मेरी हॉबी के लिए? आप अपने आप, मैं नहीं कहूंगा, कौन आपको दिखता है? और बताओ, मैं अभी बोलते हैं 2 दिन के पहले स्टेटस हमारा है, और हमारा स्टेटस ऐसा है कि आपको लगे गुरुदेव क्या आपकी गुडविल है, कहीं भी जाते हो आपका बैंड बाजा, तुमने कहा हमारा रोज भाग्य तुम्हारा एक बार भाग्य है, भाग्य है ना बेवर भाग्य। मेरे स्टेटस को देख के तुम खुश हो जाओ और तुम डिमांड करो गुरुदेव आपकी इतनी गुडविल है तो आपके पास जो इसके कारण है आप मुझे दे दो, मैं अभी दे दूंगा, समझे तुम? आना कारण मारू स्टेटस है ने तमने बहु गमे, आ तमे मांगो त्यारे आपी दू, अने वे तमे को तमारू स्टेटस जेना कारणे होय अने ए चीज कोई मांगे तमे तरत आपी दो। શું કહ્યું? શું વધારો થાય? તમારા જે શબ્દ પણ છે ને એટલા બધા ખોખલા છે કે એનો જવાબ આપવાનું પણ મન થતું નથી, ના ના કાંઈ છે નહીં। અભી મેં જુપિટર મેં જા ગયા 27 દિન ટ્રીટમેન્ટ કે લીએ, ચિકન ગુનિયા સે થોડી કમજોરી હો ગઈ થી, બેટ નહીં પાતા થા, ખડા નહીં પાતા થા, ઓર વો ફિઝિયો કી ટ્રીટમેન્ટ ચલ રહી થી, डॉक्टर जो डॉक्टर होते और बार बार पूछते थे मानस साहब कैसा फील हो रहा है, अभी उनको
झूठ तो बोलना नहीं था कि एवरीथिंग इज गुड गोइंग, और सच बोलूँ तो वो थोड़े ऐसे भी होते हैं, इतनी ट्रीटमेंट के बाद आउटपुट कोई नहीं मिल रहा है, तो झूठ नहीं बोलना था, सच बोलो तो इनको दिक्कत होती थी। मैंने बोला ठीक ठीक चल रहा है, नहीं महाराज साहब कुछ बताओ ऐसा ठीक ठीक माने क्या। तब मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक बाप पर इनके मित्र का फोन आया कि आपके बेटे थोड़ा मेंटली कमजोर था, अभी कैसा है? मैंने आ जाओ, अच्छा है। तो डॉक्टर इतने खुश हो गए जब मैंने बताया, तब माने साहब सब समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने बोला सीधा नहीं बोल पाता हूँ, ऐसा बोल देता हूँ। हाँ, तो डॉक्टर वो बाप को बोला, इनके मित्र ने, आपके बेटे को, अच्छा है, घर पे आया देखने के लिए? कहाँ है बेटा आपका? भाई वही कमरे में, जो पहले पागल था ना उसी कमरे में बैठा है। वो गया और जाने के बाद बेटे को पूछा, बेटा बैठा था शांति से बैठा था, और पूछा तू कौन है? और उसने बोल दिया आई एम होम मिनिस्टर अमित शाह। वो सुन के बाहर आए, इनके बाप को कहा, आप बोलते बेटा अच्छा हो गया, ये तो अभी भी बोलता अमित शाह हूँ, तो कि कल तक वो बोलता था मैं नरेंद्र मोदी हूँ, ठीक हो गया। एकदम पागलदार थोड़ी कैटेगरी कम हुई, डॉक्टर बोला समझ गया हूँ, मैंने एकदम अच्छा नहीं हुआ मगर बुरा भी नहीं है। स्टेटस प्लीज छोड़ दो, तुम आपकी गाड़ी को कितने लोगों ने देखी, और आपकी गाड़ी को देखने के बाद कितने लोगों ने उसकी तारीफ की, आपकी गाड़ी कितने लोगों के लिए आश्वासन का कारण बनी, छोड़ो कुछ नहीं है। पहले के जमाने में भिखारी भी है ना, किसी अमीर के पास पैसा लेता था ना, भगवान को विनंती करता था, भगवान इनको हमेशा अमीर रखना, मुझे अमीर बना देना, वो नहीं, उनको भगवान हमेशा अमीर रखना जो देते ही रहता है। आपकी आपकी ब्रांड आइटम को जलसी करने वाले कौन है? नो वन इज देयर। यहां बैठने वाली बहनों माताओं सबको कहना चाहता हूं, मैं मेरे जीवन की खुद की बात करता हूं, चाहे मैं कितना भी आगे निकल रहा मगर चित्त प्रसन्नता की मुड़ी मेरे पास नहीं है, मैं भी तो भिखारी हूं। आपको शायद यहां ध्यान रखो भाई, ये जो सब होता रहेगा तुम यहां ध्यान रखो, आप आकर्षण की बात छोड़ो, तुमने यहां एक बार तो श्रद्धा भी नहीं रखी, श्रद्धा रखने के बाद कोई इंप्लीमेंट करने का तुमने प्रयास भी तो नहीं किया, प्रयास किया तो नॉट विथ इंटरेस्ट। मैं चार बात बताना चाहूंगा, तुमने प्रश्न पूछा मुझे पसंद आया। वन इज द कंपल्सरी इंटरेस्ट, सेकंड इज द इन्वॉल्वमेंट, और थर्ड इज द इंप्रूवमेंट। हमारे वहां हरिभद्र समाज का ग्रंथ का एक और कोटेशन बताऊं, धर्म क्रिया की सफलता किसको होती है, तीन कंडीशन रखी है, नंबर वन कंटिन्यूटी, सेकंड विदाउट ब्रेक, थर्ड विथ इंटरेस्ट। आ त्रण शरत हरिभद्र समाजे कोई पण धर्मनु फळ तमारे जोईतुं होय त्रण शरत मूकी जे, जे मैं तमने इंग्लिश में कीधी एनु गुजराती करूँ पछी हिंदी करूँ, त्रण शब्द मूक्या दीर्घ काल सुधी माने लॉन्ग टाइम, બીજાના મનમાં નિરંતર મને વિધાઉટ બ્રેક, અને ત્રીજાના મનમાં સત્કારપૂર્વક દેટ મીન્સ વિથ ઇન્ટરેસ્ટ। તમે સામાયિક પ્રતિક્રમણ ન કરવાની પરમાત્માની પૂજા જે પણ કરી હોય આ ત્રણેય શરત સાથે તમે કર્યું હોય અને તમે એમ કહો કે મારા સાહેબ અમને આઉટપુટ નથી મળ્યું, પોસિબલ જ નથી, લોંગ ટાઈમ વિધાઉટ બ્રેક વિથ ઇન્ટરેસ્ટ। તમે કોઈ પણ યોગ તમે સામાયિક કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, જે વિચારવું એ વિચારો। અમે અત્યારે અમારા પગ એટલા માટે જામ્યા છીએ કે ત્રણેયમાં અમે આગળ છીએ લોંગ ટાઈમ, પણ એ નૌકારજીનું આકર્ષણ નથી, એ ચાનું આકર્ષણ છે, નૌકારજીનું શું આકર્ષણ છે? મારે હજી તમને કહું છે તમે લોંગ ટાઈમ કરીને દેખાડો ઉપવાસ, પહેલો ઉપવાસ કઠિન પડે, બીજો ઉપવાસ, હજી તમને તમારી ભાષામાં કહું, તમને કભી ગાડી ચલાવીએ ને, ગાડી ચલાવીએ ને, કભી સાહેબ પેલો ગાડી સ્ટાર્ટ કરતો, ફર્સ્ટ ગેરમાં ગાડી હોતી હે તો તીન કમજોરી ફર્સ્ટ ગેર કી હોતી હે, નંબર વન અવાજ જ્યાદા હોતા હૈ, સેકન્ડ પેટ્રોલ જ્યાદા ખાતા હૈ, ઓર થર્ડ ગતિ કમ હોતી હૈ, બરાબર હે? પહેલાં ગેરમાં ગાડી નાખો ત્યારે એમાં તમને ત્રણ શરત છે, પેટ્રોલ વધારે ખાય, અવાજ વધારે કરે અને ગતિ ઓછી। આવો અનુભવ થયા પછી તમે ગાડીને બ્રેક લગાવો કે સેકન્ડ ગેરમાં જવા દો, પછી થર્ડમાં ને પછી ફોર્થમાં,
અને ફોર્થ ગિયરમાં જ્યારે ગાડી શરૂ થાય ત્યારે ઓછું પેટ્રોલ ખાય, અવાજ લગભગ બંધ થઈ જાય અને ગતિ જોરદાર પકડાય. અમે છે ને ચોથા ગિયરમાં છીએ. દુનિયા કી કોઈ તાકાત ઇસ કપડે કો છુડાને કી કોઈ તાકાત નહીં રહી. ચક્રવર્તી પદ મિલે તો ભી ચાલતે રે પાસ, યે તાકાત કહાં સે આઈ? દો મિનિટમાં આ જાય. નૌપદ કી સ્તવના મેં એક શબ્દ લિખા હૈ, અવર અનાદિની ચાલ નિત્ય નિત્ય તજીએ રે. રોજ કન્ટિન્યુ, નોટ બ્રેક. અને અહીંયા બેઠેલા તમને બી સાચું બોલો, તમારી દુકાન સોમવારે ખોલો, બુધવારે બંધ, ગુરુવારે ખોલો, શનિવારે બંધ, ઘરાક જામી જાય એમ. હા નહીં, ત્યાં પણ તમને ખબર છે ને કે મારા સાહેબ બિઝનેસ જમાવી દેવો હોય તો આ બધું તો સાહેબ મસ્ટ. તો ધર્મના ક્ષેત્રમાં તમારે જમવું હોય, ઇટ ઇઝ રિયલી મસ્ટ. નો બ્રેક, નો શોર્ટ ટાઈમ, નોટ વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ. આ હરિભદ્ર સ્વામીનું વચન કહું છું. જેમને પણ લાગે સાહેબ મારી સામાયિક જામી નથી, એનું કારણ આ ત્રણમાંથી કોઈ એક જ છે, 100% એક. આજ હંસરત્ન સુરી અભી જા કે 119 ઉપવાસ થા કલ, ઓર આપ ઇનકો પૂછો કે ઇતના ઉપવાસ કિતના કન્ટિન્યુ વિથ ઇન્ટરવલ વિધાઉટ બ્રેક, 180 ઉપવાસ પાંચમી વાર. વી કાન્ટ બિલીવ. અને અમારા બધા કરતા, અમે ચા પીને બેઠા એના કરતા એના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા કંઈક ઘણી વધારે, કંઈક ઘણી વધારે. ચાલો એક નાનું કરો, તમે ક્યારેય પણ દાન કર્યું છે ને 100, 200, 500 બરાબર છે? તમે જેને દાન કર્યું એને તમે કીધા પછી કીધું ખરું, ફરી વાર મને યાદ કરજો. કેમ શું કહ્યું? નહીં, એટલે એક વાર દાન કર્યું તો બીજી વાર એને કીધું કેમ નહીં, ફરી વાર પણ મને યાદ કરજો. હું 1000, 2000, 5000 ખાલી 100 રૂપિયાની કેમ ન કીધું? શું કહ્યું? એની માગવાની પડે પણ તમારી આપવાની પડે ને, બહુ જરૂરી છે. નહીં મને આ વાત, મારે યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ને. કોઈ પણ ધર્મને તમે તમારો બનાવવા માગતા જ નથી, એટલા માટે કે તમે એને કન્ટિન્યુ રાખવા જ નથી માગતા. આજના કાળે પણ આટલી તાકાત ધર્મની છે, તમારે અનુભવ કરો તો પણ આ સ્ટેપમાં જવું પડે. કેટલા વર્ષો પછી અમને આ સાધુપણું જામ્યું છે. તમે જામ્યું શબ્દ સમજો ને, મેળવી તો ગમે ત્યારે પણ જામે ક્યારે? અને એટલા માટે અમારે ત્યાં દીક્ષાને વળી દીક્ષા પછી પણ થોડો ટાઈમ ગેપ છે. જમાવું યાર, પહેલે દિવસે દીક્ષાના પહેલે દિવસે દીક્ષા જીવન પણ નથી જામતું. થોડા દિવસો જાય પછી સ્ટેબલ થઈ જાય. ઓકે, પગ જામી ગયા છે મારા. તમારો કયો ધર્મ તમે જમાવ્યો છે સાહેબ? મારે અને બહેનોને પૂછો ને દૂધમાં મેળવણ નાખે ને, પછી પણ થોડો ટાઈમ આપવો પડે છે ને. દૂધની તપેલીને સ્થિર રાખે અને ધીમે 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 મેળવણ ઇન્વોલ્વ થાય અને દૂધને દહીંમાં કન્વર્ટ કરી રાખે. પ્લેઝર ઇઝ માય ટ્રેઝર. ચલો આગે, ઘડી તો બોલેગી, બંધ કરના ઈ પડેગા સમય પે. સાધુ સદા સુખિયા ગયા, દુખિયા નહીં લવલેશ. મુનિ હમેશ કે લીએ, ચાહે લોજ કરાતા હો, ચાહે 50 ડિગ્રી કી ગરમી મેં હો, મુનિ હમેશ કે લીએ પ્રસન્ન રહેગા. ઓર અનંત તીર્થંકર કી એક આજ્ઞા, બેટે કે લીએ એક હી બાપ કી આજ્ઞા હોતી, હર બાપ કી હર બેટે કે લીએ કોમન આજ્ઞા નહીં હોતી હૈ. મગર આજ તક જો ભી તીર્થંકર હુએ અભી હૈ, ઓર આને વાલે ફ્યુચર મેં જો ભી તીર્થંકર બનેંગે, સબકી એક હી આજ્ઞા, આજ્ઞા તો નિર્મલમ ચિત્તમ કર્તવ્યમ સ્ફટિકોપમમ. અનંત તીર્થંકર પરમાત્મા કી એક હી આજ્ઞા હૈ, તેરે ચિત્ત કો સ્ફટિક જૈસા નિર્મલ રખના. ચાહે તું કુછ ભી કરે, આખિર યહાં આકર કે ખડા રહેગા. ખાલી એક નાનકડો પ્રશ્ન તમને પૂછીને આગળ, 2000 કા પેમેન્ટ તુમને રોકાય, ઓનલી 2000 નોટ મોર.
वो 2000 का पेमेंट पाने के लिए तुमने 2 साल से प्रयास किया, फोन करते हो, उनके पास करोड़ों रुपया होने के बावजूद ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू 2000 रुपीज। साच बोलो, सामे चढ़ी ने फोन करीने प्रसन्नतापूर्वक कही दो 2000 हवे कायम माटे छोड़ी दीदा, आटलू कही सको? जे 2000 तमारा चित्तनी प्रसन्नता ने खंडित बब्बे वर्षथी करी रह्या छे ने 2000 नो तमारो कोई प्रश्न नथी, ना आव्या तो पण तमने कहीं अमे डिस्टर्ब नथी, जे 2000 आवी जाए तो पण तमारो कहीं वळतुं नथी अने जाए तो कहीं मां तमने नुकसान नथी, पण चित्तनी प्रसन्नता खंडित थाय छे। तमे सामे चढ़ीने फोन करीने कही दो 2000 कायम माटे नथी दीधा, आई वुड लाइक टू बी हेप्पी। તમને કોણે ના પાડી મુનિ બનવાની? આવડી બાજુ સમીકરણ માંડીને બેઠા, આ બધું છોડો, કબૂલ કરી લો કે સાહેબ અમે બેવકૂફ જ છીએ। મને ઘણી વાર પૂછે, ઘણા મને સાહેબ જીવનમાં શાંતિ નથી, આ બધી વાત તો તમારી બહુ કોમન થઈ ગઈ ને એટલે અત્યારે ચર્ચા નહીં કરો, પણ એક વાત નીકળી ત્યારે પૂછ્યું, સચ બોલો, કિસી ભી ચીજ કી અનુભૂતિ કે લીએ વોટ યુ આર રેડી ટુ પે ફોર, આપ ઇતના બતાવો। आप बस में जाते हो, टैक्सी में नहीं जाते हो, आप बोल सकते हो गुरुदेव टैक्सी का किराया ज़्यादा है, आई कांट पे, बराबर है? बस में, टैक्सी में, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में वही जा सकता है जो पे करने की क्षमता रखता है, बराबर। आप प्लेन में क्यों न गए, जो किराया ना वो पे करने की मेरी क्षमता नहीं थी, गाड़ी में क्योंकि इसलिए आई वॉज रेडी टू पे। तो मैं आपको पूछना, शांति, पवित्रता, प्रेम, प्रसन्नता कुछ भी आपको चाहिए, मुझे इतना जवाब दो, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। ये पानी के लिए हमने क्या पे किया तुम्हें मालूम है क्या? ऐसा मांगा गुरुदेव ने, दे नहीं दिया है, बहुत कुछ हमारे से गुरुदेव ने मांगा और हम तैयार थे तब ये चीज मिली, व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। आप बताओ मुझे, फिर आगे मैं चलना, जल्दी चलना चाहता हूँ, व्हाट यू आर, जो भी बोलता है गुरुदेव आंख में विकार बहुत है, मैं बोलता हूँ व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर, सीधा बोल दे विकार को खत्म कर सकता हूँ, पे करने की क्या तैयारी? अभी मैं बाईपास का ऑपरेशन ब्रिज कंडी में करा गया है, तो ऐसे तो ऑपरेशन नहीं होता है ना, डॉक्टर बोलता है मेजर ऑपरेशन है और हॉस्पिटल ब्रिज कंडी है, इतना तो पे करना ही पड़ेगा ना। आप कहीं भी जाते हो तो सीधा प्रश्न सबसे पहले तो पे का आता है ना। तो अध्यात्म जगत में आपको पूछना है व्हाट यू आर रेडी टू पे फॉर। यदि हम तैयार है तो बोले, नहीं तैयार है तो ना बोले, कि तो मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप कुछ पा नहीं पाएंगे। आप ये मुफ्त का धर्म यदि मानते हो, अपने मंदिर में आने का कोई चार्ज नहीं है, मगर व्हाई यू आर नॉट रेडी टू पे फॉर, मेरे प्रवचन का कोई चार्ज नहीं है, वो भी नहीं सकता, मगर तुम मोटिवेशन के जो स्पीकर का सुनते हो, वहां 15-15 हज़ार देने के लिए तैयार, और 4-4 महीना गुरुदेव के प्रवचन चाहते 1500 रुपया देने की तैयारी नहीं, गुरुदेव को नहीं चाहिए। मैं गुरुदेव आपके प्रवचन सुनने का सद्भाग्य मिला, मैं 1500 रुपया का डोनेशन देकर इनकी खुशहाली में, कभी नहीं। एक होटल में जाकर के 300-400-500 रुपये का डिश देने के लिए तैयार, आंबेल खाता में तुमने आंबेल मुफ्त किया, आंबेल खाता में चाहिए नहीं, तुमने दिया कभी? मंदिर मफत, प्रवचन मफत, अम्बेल खाता मफत, पाठशाला मफत, हर चीज मफत, कुछ देना नहीं, क्यों? आगे चलना चाहूंगा, नंबर 1 ड्यूटी इज द ब्यूटी, 2 इज द प्लेजर इज माई ट्रेजर, 3 गुडनेस इज माई रिचनेस, नॉट ग्रेटनेस बट गुडनेस इज माई रिचनेस। मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा कार्य मैं करता हूं वही तो मेरी अमीरी, मेरी गाड़ी वो मेरी अमीरी नहीं है गुरुदेव, वो गाड़ी में अभी तक मैंने इतने लोगों को बिठा दिया वो मेरी अमीरी है। व्हाट डू यू बिलीव, ग्रेटनेस इज द योर रिचनेस या गुडनेस इज द रिचनेस?
नहीं, आपकी मानसिकता क्लियर करो। मैं कोई आपको ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मगर इतने सालों के बाद हम कहाँ जाएंगे मर के? आपको क्या लगता है मेरी रिचनेस गुडनेस में कि ग्रेटनेस में? एमपी में आगर गांव है, आगर। मेरा वहां दोपहर का प्रवचन चलता था एक दिन, और प्रवचन में सिर्फ एक बात बताई कि एक रुपये का डोनेशन देना पर डे विदाउट ब्रेक, और नहीं दे पाए 1000 की पेनल्टी। देना कितना? एक, और नहीं दे पाए तो 1000 की पेनल्टी। दलील बहुत हुई, दलील में आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि सही समय पे प्रवचन वाइंड अप करना है। और हुआ ऐसा, 400-500 लोग थे और प्रवचन में संघ भोजन था, एक एक रुपये का। बाहर एक भिखारन बैठी थी, नियम दे दिया, अभी से नियम का पालन करना कंपलसरी बन गया, संघ पूजन का रुपया मुफ्त मिल गया और लेने वाले भिखारन मिल गई, समझे ना, सब जम गया। अने भिखारन ने बताया रुपया आप, मैं वहीं था, वही मेरा ही प्रवचन था। शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा था, एक लड़का, एक भाई मिलने के लिए आया, आंख में आंसू थे। गुरुदेव, जिंदगी में कभी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला और शायद नहीं मिलेगा। आपने जब बोला ना एक रुपया भिखारन को देना, हमारे मन में ऐसा था कि भिखारी को रुपया देने के बाद दुरुपयोग करता है, इनका पाप किसको लगता है? अब वो है जन तुम्हारे मन में है शू है? એટલે ભિખારીને તમે રૂપિયો આપો અને ગુટકા ખાય તો એનું પાપ તમને લાગે, એમ જ કેવું છે ને? બરાબર, સાચું બોલો, ભગવાને તમને આંખ આપી અને તમે એનાથી ટીવી જુઓ, એનું પાપ ભગવાનને લાગે એમ? તમે યાર આ બધું ક્યાંથી હોદી ક્યાંથી લાયા? એક રૂપિયા દેવા માટે 7 પેઢીનો ઇતિહાસ હોય પાસે, કયો કરોડ રૂપિયા? રૂપિયો તો આપે છે ખાલી। ચાલો આ વાત તો તમને બીજી કરું છું, તમે ગોચરીમાં કોઈ મુનિભગવાનને શિરોવર દાખલા તરીકે, આ મુનિભગવાન ક્યારે પણ બપોરના સૂતા નહોતા, ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારા ઘરનો શીરો વાપર્યા પછી ભારે ખોરાક હતો એટલા કારણે પોતાના કંટ્રોલ બહાર પણ એમને ઊંઘ આવી અને મુનિ સૂઈ ગયા, શેના કારણે સુધા? શીરો વાપરવાના કારણે। શીરો કોણે વરાવ્યો? એટલે મુનિએ શીરો વાપર્યો તમારા ઘરેથી અને સુઈ ગયા, એનું પાપ તમને જ લાગ્યું ને? કેમ આટલા વર્ષોના પ્રવચન ભાઈ તમારી બુદ્ધિ સડેલી જ રહી? વો ભાઈ કે મેં બાત કરના, ગુરુદેવ પ્રતિક્રમણ કરને કે લીએ આને કે પહેલે મંદિર મેં જાને કે લીએ અંદર દાખલ હોતા હતા, ઓર ગુરુદેવ વહી ભિખારણ જિસકો હમને 5 બજે પ્રવચન મંડપ કે બહાર દેખી દી, વહી ભિખારણ મંદિર કે અંદર પ્રવેશ કર રહી થી। સાડી કા પલ્લુ થા ગુરુદેવ, વો પલ્લી માં રૂપિયા ભરા પડા થા, મેને ખુદ ભિખારણ કો ખડી રખ કરકે પૂછા કે બેન અંદર કહાં જા રહી હૈ? માણસ સાહેબ, ભિખારણ કા જવાબ, પેર કે નીચે ધરતી ખિસક ગઈ। ઉસને બોલા, 22 સાલ સે ભીખ માંગ રહી હું, ના માલુમ ભીખ તો બહુ બાર મિલી, મગર જિંદગી મેં કભી ઇતની ભીખ મેં ઇતના રૂપિયા તો કભી નહીં મિલા, પહેલી બાર મિલા। આપકે ગુરુજી કા પ્રવચન થા બહાર બેઠી થી 500 રૂપિયા કરી મનો કા મેં ગિના નહીં હૈ, મગર યે 500 રૂપિયા મિલા તબ મેરે મન મેં ખ્યાલ આયા પરમાત્મા કી પરમ કરુણા, આજ ભીખ મેં ઇતને રૂપિયા મિલે તો મેરે મન મેં એસા હૈ જિસકી કરુણા સે મુજે મિલા હૈ ઉનકો હી મેં ક્યું ના દે દું, ઓર ઇસલિયે મંદિર મેં રખને કે લિયે આયા હું। એક ભિખારણ 500 રૂપિયા મિલા ઓર પહેલી બાર મિલા વો સીધા પરમાત્મા મંદિર મેં, ગુરુદેવ હમ કહાં હૈ? યે અમીરી તુમ્હારે પાસ હૈ ભિખારણ કે પાસ જો થી વો, યે તુમ્હારે ગાડી બંગલે મોટેરે ગ્રેટનેસ તુમ્હે કે સદગતિ મિલી જાયેગી યા ગુડનેસ? મોત કે સમય સમાધિ કોણ દેગી? ગાડી બંગલે મોટેરે હાથ ખુલ્લા રખા વો? मैं आपकी डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूँ, आपके मन में जो बैठा है ना कि गुरुदेव ग्रेटनेस इज द रिचनेस, और भगवान महावीर का ये वचन गुडनेस इज द रिचनेस।
हमारे वहाँ पुनिया श्रामक की इतनी प्रशंसा हुई जितनी ममन सेठ की नहीं हुई। अब्जों रुपया का मालिक होने के बाद भी कहीं इनकी तारीफ नहीं हुई, और एक दिन उपवास एक दिन खाना, वो पुनिया श्रामक की प्रशंसा, इनके पास गुडनेस थी, सुदामा के पास गुडनेस थी, सबरी के पास गुडनेस थी, हनुमान के पास गुडनेस थी। क्या था सुदामा के पास, क्या था? एक चावल। शबरी के पास था झूठे बेर, चंदन बाड़ा ने भगवान महावीर को क्या बनाया था, अड़त के बाकुले कोई खीर और दूध तो नहीं बिराया था। आई वुड लाइक, आपके पास गुडनेस कितनी है? मैं ग्रेटनेस की नहीं, मुझे मत पूछो, और बात निकली है तो आपको बताऊं, सारी दुनिया आपको मिलेगी तब ये पूछेगी तेरे पास क्या है, और भगवान महावीर ये पूछेंगे तेरे साथ क्या है, इन विच यू आर इंटरेस्टेड। मेरे पास क्या है तुम गिना पाएंगे, तीन गाड़ी चार बंगले 10 करोड़ का टर्नओवर, साथ क्या है बता दे। आज भगवान महावीर का दीक्षा कल्याण है, जिन परमात्मा के शासन में अमीर बन के आज मेरे कले जो भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना करके जो उपकार किया है, कोई हर शब्द डिक्शनरी के छोटे पड़ जाते, इतने अनंत उपकार आज है मेरे पास। ये उपकार आसन उपकार तीर्थाधिपति भगवान महावीर का उपकार है। आपने आप मुझे कभी बता सकते गुडनेस का स्कोर आपका कितना? नॉट ग्रेटनेस का नहीं, गुडनेस का स्कोर कितना आपका? और ये स्कोर बोर्ड पर ये स्कोर बढ़ाने की तुम मेरी उम्मीद है? गुरुदेव ये सब छोड़ो, कितने का बिजनेस है ना, कितना टर्नओवर, छोड़ो गुरुदेव, वो दाऊद इब्राहिम के पास भी हो सकता है। इनके लिए रिपीट करूं, ग्रेटनेस बनने के बाद आपके पास कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट विदाउट क्वालिफिकेशन आप गुडनेस का बढ़ावा नहीं कर पाएंगे। आपका इंटरेस्ट किसमें है? हर्षद मेहता की तेजी चलती थी ना, उस टाइम में इनके घर पे गया था, एक किताब पढ़ के वो आया था मेरे पास, उनके पास प्रवचन उनके घर पे रखा था, शाम को 2 घंटा बैठा था, हर्षद मेहता की आंख में 6 बार तो आंसू थे, और उसने मुझे बता दिया हमारा साहब सब खत्म हो गया। एक समय था हिंदुस्तान का बड़ा प्रधान का, रोज सुबह होते मेरे पर फोन आता था, आज गुरुदेव मुझे भिखारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं, मेरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जिस हर्षद मेहता की तेजी की तारीफ तुम कर रहे थे, वो हर्षद मेहता का कोर्ट में करता हूँ, गुरुदेव सब खत्म हो गया। और तुम्हें मालूम होगा रात को 12 बजे वो शांत हो गया, इनकी मम्मी ने मुझे बता दिया माना साहब वहाँ से फोन आ गया, आपका बेटा खत्म हो चुका है, डेड बॉडी ले जाओ। ये ग्रेटनेस थी, ये चाहिए तुम्हें, ये तो भगवान की परम करुणा, तुम सुनने के लिए अब आते भी कौन, ये किसको सुना है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अवर लाइफ, कोई लेना देना नहीं साधु के पास।